अजमेर किशनगढ़ से एक बड़ी खबर सामने रही है। शहर में खुलेआम सुबह शराब की बिक्री हो रही है। आखिर आबकारी विभाग क्यों सोया हुआ है, स्थानीय प्रशासन क्यों मौन है शराब की बिक्री को लेकर? तो अजमेर के किशनगढ़ से आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शहर में सुबह से ही शराब की बिक्री शुरू हो रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न कि आबकारी विभाग क्या सोया हुआ है, स्थानीय पुलिस शराब बिक्री को लेकर मौन क्यों बनी हुई है, ठेका संचालक सरकारी नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और शराब ठेकेदारों में पुलिस का कोई भी डर नहीं है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं साथ इंद्रजीत उबाना हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते शराब ठेकेदार दिखाई दे रहे हैं, ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं। फिलहाल अब इस खबर पर क्या पुलिस ने या आबकारी विभाग ने कोई संज्ञान लिया? और ऋषभ, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि किशनगढ़ में ये शराब बिक्री का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी एवन टीवी ने लगातार शहर के जो तमाम जो ठेके हैं जो नियमों को ताक में रखकर शराब की बिक्री कर रहे थे उसकी खबर को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी है ना तो आबकारी विभाग और ना ही पुलिस के कानों में जूं तक रेंग रही है। खुलेआम जो है शराब माफिया सरकार की नियमों के धज्जे उड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इसके चलते शराब माफियाओं के हौसले बुलंद है। अल सुबह 6 बजे से ही जो है शहर में शराब की बिक्री शुरू हो जाती है और शराब लेने वाले लोगों की जो है शराब की दुकानों पर कतारें लगी रहती है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नियम 10 बजे का है शराब का ठेका खुलने का, लेकिन सुबह 6 बजे आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से शराब ठेकेदार जो सेल्समैन है वो शराब के ठेके पर जाता है, शटर ऊपर करता है और अंदर जाकर खुलेआम शराब की बिक्री करता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन शायद लगता है कि अपनी आंखें मूंदकर पूरी तरह से बैठा है। जी तो इंद्रजीत, ऐसा माना जाए कि अगर 24 घंटे में कहीं भी शराब चाहिए हो तो आप किशनगढ़ चले जाएं, किशनगढ़ में आपको 24 घंटे शराब मिल जाएगी। निश्चित तौर पे ऋषभ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर वाकई प्रदेश में अगर किसी को शराब लेनी हो तो किशनगढ़ आ जाए, क्योंकि किशनगढ़ के जो हाईवे का शराब का ठेका हो चाहे शहर में ठेके हो, खुलेआम यहाँ पर शराब की बिक्री होती है और स्थानीय प्रशासन इन शराब के ठेकों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता। भले ही राज्य सरकार ने अभी फिलहाल ही एक नियम निकाला था DYSP और पुलिस के अधिकारियों को ताकीद किया था कि अगर इनके इलाके में अगर किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री होती है तो संबंधित थानाधिकारी या DYSP पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किशनगढ़ में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसके चलते शराब माफियों के हौसले बुलंद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी जानकारी के लिए।